के बिना हम एक एक सेल में कितना वोल्टेज है वो चेक कर पाएँ। सबसे पहले हमारा ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी है हमारे पास। वोल्ट मीटर को हम डीसी वोल्ट के 20 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ रख देंगे आपके देखने के लिए। मैं उसको अभी यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए आप, सबसे पहले हम पूरी बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 12.51। अब हम एक एक सेल में कितना वोल्टेज बना रही है बैटरी वो चेक करेंगे। सबसे पहले ये प्लस टर्मिनल को प्लस में हम लगाएंगे और माइनस टर्मिनल को पहले वाले सेल के अंदर पानी में डिप करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, अब आप देखिए कितना वोल्टेज आना चालू हो गया, 1.69 पहले सेल का। इसी तरीके से हम दूसरे सेल को चेक करेंगे, ये 2.5 वोल्ट के ऊपर रहना चाहिए तो सेल हमारे ठीक माने जाते हैं। 2 के ऊपर ही होना चाहिए जनरली। 6 सेल है, 6 × 12 12 वोल्ट के ऊपर हमको चाहिए होता तब बैटरी ठीक है। अभी ये सेल हमारा डाउन है। देखिए आप दूसरे सेल को चेक करेंगे, देखिए 2.08 आ रहा है, 0.5। ये हमारा दूसरा सेल है। अब हम तीसरे सेल को चेक करेंगे, ये यहाँ से इस पर देखिए 2.01 वोल्ट आ रहा है। इसी तरीके से हम चौथे सेल को चेक करेंगे, ये देखिए 2.09 वोल्ट। पांचवे सेल को चेक करेंगे, 2.07। छठे सेल को हम चेक करेंगे, 2.03। और लास्ट सेल चेक होगा इस तरीके से। देखिए 0.37, मतलब हमारा ये वोल्ट नहीं बना रहा है, ये बहुत कम बना रहा है, बाकी के सेल हमारे सही वोल्ट बना रहे हैं। इस तरीके से हम वोल्टेज चेक करेंगे, टोटल वोल्ट हमारा जब जोड़ेंगे उनको तो इतना ही निकल के आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू।